अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज तो कुछ स्पेशल बनेगा, स्पेशल बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफर सान रजा, वेलकम टू माय चैनल किचन वॉग। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक। जानवर बंद होंगे गेटों पे, जब कट जाएं तो जो उनकी आलाइशें हैं वो रोडों पे ना फेंकें, जो कचरेदान है वहीं उनकी आलाइशें फेंकें। इससे रोड भी गंदे नहीं होंगे और आपका घर भी गंदा नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने कहा, स्पेशल बनेगा, स्पेशल बनेगा, स्पेशल बनेगा, तो लाजमी स्पेशल ही बनेगा। न्यू चीज़ें और न्यू रेसिपियाँ जो है आप लोग ट्राई कीजिए, करा कीजिए। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा गोला कबाब, मज़ेदार गोला कबाब। ओहो, आप देख सकते हैं मैंने मीट ले लिया और मशीन का कीमा निकलवा लिया और इसके साथ लिटिल बिट चर्बी भी निकलवा ली है कीमे के साथ ही, क्योंकि अगर कीमे में चर्बी ना हो तो कबाब जो है वो टूट सकते हैं, ख़राब हो जाएंगे, लगेंगे ही नहीं। लेकिन मैं आपको चारकोल पे बनाना नहीं सिखाऊंगा, जैसे बारबेक्यू होती है ना छत पे, बारबेक्यू वाले तरीके से नहीं, मैं आपको फ्राई पैन में बनाना सिखाऊंगा। देखें, ग्रिल पैन मैंने ले लिया, बड़ा है काफ़ी, आप चाहें तो नॉर्मल पैन में भी इसको बना सकते हैं। तो चलें, आधा किलो मैंने बीफ का कीमा करवा लिया विथ फैट हेयर, और अच्छी तरीके से इसको मैंने मलमल का जो कपड़ा होता है ना उससे सारा पानी इसका खुश कर लिया। देख सकते हैं आप ये कैसे गिढ़ाने बनी है। देख, सारा डाल दिया मैंने इसमें, आधा कप मैंने प्याज लिए ड्राई, ये भी डाल दूंगा इसमें, 1 टेबल स्पून योगर्ट, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून बेसन, 1 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट। अगर पपीते का पेस्ट आपके पास नहीं है तो आप कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून। 4 से 5 बारीक बारीक हरी मिर्चें स्लाइस में मैंने कट कर लिया है, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून साबित जीरा, आप चाहे तो पाउडर भी डाल सकते हैं, सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसको ग्राइंड कर लें, अब मैं इसमें डालूंगा आधे लेमन का जूस, ये तैयार हो चुका है, मैंने बंद कर दिया, मैं इसको एक बॉल में निकाल लूंगा। देखिए कि मैं कितना बारीक पिसा है, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही पीसना है। चलें हम कबाब बनाते हैं। थोड़ा सा ऑयल पहले हाथों पे लगा लें ताकि कबाब हाथों पे चिपके ना। देख, थोड़ा सा पीस लेने पहले, बिल्कुल गोल कोफ्ते की तरह बनाना है आपने। अच्छा दबा के बाइंड करें इसको ठोस तरीके से, अगर बीच में थोड़ा सा भी खाली रह गया ना कबाब तो कबाब टूट सकता है। देखिए ऐसे बिल्कुल, एक स्ट्रॉ मैंने ले ली, देखिए इसको ऐसे बीच में डाल दें बिल्कुल सीख कबाब की तरह, हल्का सा पुश कर दें और इसको ऐसे निकाल दें। देखिए सुराख भी हो गया, ये देखिए सारे में ऐसे ही बनाऊंगा, ये सब मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं उनको शेलो फ्राई करूंगा। देखिए नॉन स्टिक ग्रिल पैन मैंने ले लिया है, इसको मीडियम फ्लेम पे रखा है, अब मैं इसमें ऐड करूंगा 2 टेबल स्पून ऑयल, इसको ब्रश की मदद से चारों तरफ फैला लें, फिर कबाब रख देंगे। शेलो फ्राई करने हैं हमें और ऊपर से मैं इसमें ब्रशिंग करता रहूँगा, वक्फे वक्फे से कलर चेंज होगा तो उसको मैं पलट लूँगा। अब मैं इनको टर्न कर दूँगा, बहुत एहतियात से करना है ताकि टूटे ना, क्योंकि भाई टूट गया तो भाई मज़ा ख़राब हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा कलर आया इसका,
तो थोड़ी सी ब्रशिंग कर दें ऊपर से। देखिए अब मैं इनको निकाल लूँगा, कलर देखें कितना प्यारा आया इनका। पलट पलट के चारों तरफ से आपने इनको पका लेना है अच्छे तरीके से। लेकिन ऐसे आप से उठाएं पहले। दूसरा ट्रिप भी डाल दूंगा इसमें। देखिए अब इनको भी मैं टर्न कर दूंगा। ऑयल की ब्रशिंग कर दें। चारों तरफ से इसको अच्छे से हिला लें इसी तरह कर करके। थोड़ा चेंज कर करके सब तरफ से पका लें ताकि कच्चे ना रहें। दूसरी साइड चेंज कर दें। देखिए ये हो चुके हैं, मैं निकाल लूंगा। चले अब इनकी प्रेजेंटेशन करते हैं। गर्मी बहुत है यार, आप लोग के लिए गर्मी में रह के भी न्यू रेसिपी लेके आ रहा हूँ। लाइक सब्सक्राइब तो कर दें यार। बहरहाल गोला कबाब इट्स रेडी। ग्रिल्ड गोला कबाब, क्योंकि ग्रिल्ड पैन पे बनाया ना मैंने, तो फिर ग्रिल्ड गोला कबाब। अगर आप सिंपल कोई पैन पे बनाएंगे तो वो सिंपली गोला कबाब होंगे। आप देख सकते हैं इनकी बाइंडिंग कितनी अच्छी हुई है, ना टूटे ना बिखरे। अगर इसी मेजरमेंट से आप बनाएंगे तो ना ये टूटेंगे और ना ही ये बिखरेंगे, और ना ज़्यादा ये सख्त हैं, बिल्कुल मुलायम है, नरम। खाएंगे बोटी भूल जाएगी अंदर। ऐसे थोड़ी बनते हैं यार, इतने ज़बरदस्त मैंने बनाए। इस रेसिपी को आपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बकरीद की चीज़ है, बकरीद में ट्राई करें या तो आम दिनों में भी ट्राई करें। अगर मेरी डिश आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, दिए गए बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। समझ तो गए होंगे आप। फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, फॉलो कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।